फिल्म डेडपूल एंड वल्वरीन के सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई जा रही। आठवें दिन की कमाई ने उड़ाया होश 100 करोड़ से महज कुछ ही कदम दूर। तो वहीं फिल्म कल की सिनेमाघरों में कर रही ताबड़तोड़ कमाई। 37 दिनों के कलेक्शंस में भी फिल्म ने कूद डाले इतने करोड़ रुपए। तो वहीं धनुष की 50वीं फिल्म रायण बॉक्स ऑफिस पर हुई सुपरहिट, 8 दिनों में कूदे इतने करोड़। तो वहीं फिल्म बैड न्यूज का बॉक्स ऑफिस पर क्या है हाल जानेंगे इस वीडियो में, जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, हॉलीवुड की साल 2024 की मोस्ट वेटेड फिल्मों में से एक डेडपूल एंड वल्वरीन 26 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी, जिसके रिलीज हुए सिनेमाघरों में 8 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और फिल्म का 8 डेज तक कलेक्शन ताबड़तोड़ एंड अनएक्सपेक्टेड नजर आया है। फिल्म डेडपूल एंड वल्वरीन सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस कर रही है। बात करेंगे फिल्म के डे 8 कलेक्शन की। तो फिल्म डेडपूल एंड वल्वरीन ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 के अंदर भारत के बॉक्स ऑफिस से 5 करोड़ की नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म डेडपूल एंड वल्वरीन का डे 8 तक टोटल भारत के बॉक्स ऑफिस से 94 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से $650 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों बता दो कि फिल्म डेडपूल एंड वल्वरीन को ओवरऑल $200 मिलियन के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने बजट के मुकाबले वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $700 मिलियन के आंकड़े के नजदीक है। MCU की 34वीं फिल्म डेडपूल एंड वल्वरीन सिनेमाघर में ब्लॉकबस्टर कमाई कर रही है। फिल्म को अगर आपने मिस किया है तो फिल्म डेडपूल एंड वल्वरीन को सिनेमाघरों में जरूर देखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं तमिल लैंग्वेज की साल 2024 की धनुष की 50वीं फिल्म रायण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म रायण के कलेक्शन की। तो रायण के देखते देखते सिनेमाघर में रिलीज हुए 8 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। फिल्म अपने फर्स्ट वीक को कम्प्लीट कर सेकेंड वीक में आ चुकी है और फिल्म अपने सेकेंड वीकेंड में भी ताबड़तोड़ कलेक्शन की तरफ बढ़ रही है। बात करेंगे फिल्म रायण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 की। तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 के अंदर भी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करते हुए वर्ल्ड वाइड से 5 करोड़ की ग्रॉस कमाई करने में कामयाब रही। इसी के साथ फिल्म रायण का डे 8 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 111 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट तमिलनाडु से 54 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। तो फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से 11.20 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। तो फिल्म का केरला के बॉक्स ऑफिस से 3.75 करोड़ की ग्रॉस कमाई करने में कामयाब है। दोस्तों बता दो कि फिल्म रायण को ओवरऑल 90 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। फिल्म को फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिव्यू मिल रहा है। दोस्तों बता दो कि फिल्म को धनुष ने डायरेक्ट किया है। फिल्म फिलहाल सिनेमाघरों में अडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है। फिल्म रायण दोस्तों आपने अभी तक देखी या ना देखी, इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट में जरूर बता। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म कल्कि के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 37 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म कल्कि 2898 AD के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 37 की। बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 37 के अंदर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करने में कामयाब है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी भी शानदार कलेक्शन कर रही है। बात करेंगे फिल्म के डे 37 कलेक्शन की। तो फिल्म कल्कि 2898 AD ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 37 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 95 लाख की कमाई कर टोटल 37 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 1157 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म का तमिलनाडु के स्टेट से 30 करोड़ ग्रॉस, तो फिल्म ने हिंदी वर्जन से 290 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है। फिल्म कल्कि 2898 AD को 620 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट एंड स्टार्स के सैलरीज को मिलाकर। फिल्म कल्कि फिलहाल सिनेमाघरों में ह्यूज ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। फिल्म को अगर आपने मिस किया है तो फिल्म कल्कि 2898 AD को सिनेमाघरों में जरूर देखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड की फिल्म बैड न्यूज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे विकी कौशल एंड तृप्ति ढेमरे की फिल्म बैड न्यूज के कलेक्शन की। बात करें तो फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 15 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म के डे 15 कलेक्शन की। तो फिल्म बैड न्यूज ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15 के अंदर भारत के बॉक्स ऑफिस से 1.05 करोड़ की नेट कमाई कर टोटल 15 डेज तक भारत के बॉक्स ऑफिस से 59.05 करोड़ की नेट कमाई की है। तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस 102 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म बैड न्यूज को ओवरऑल 80 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। 80 करोड़ के मुकाबले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 100 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लिया है। फिल्म विकी कौशल के करियर की एक और 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन चुकी है। फिल्म बैड न्यूज दोस्तों आपने देखी या ना देखी, फिल्म को लेकर के आपकी क्या राय है अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं। थे दोस्तों ये था लेखा झुका हाल फिल्म के कलेक्शंस का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करेगा और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करेगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज कलेक्शंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।